हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दीजिए, अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां पर चीन का नया कारनामा गलवान में मारे गए अपने सैनिकों के नाम पर रखे पुलों और गांवों के नाम। जी हां दोस्तों, बताएंगे सबसे बड़ी खबर। अब चीन की तरफ से फिर एक बार बड़ी हिमाकत की गई है दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बताएंगे जहां पर भारत का बेहतरीन विकास होगा, 1.5 अरब लोगों में है वो काबिलियत। जी हां दोस्तों, ऐसा हम नहीं बताएंगे किसने, ये बहुत बड़ी बात कही है भारत को लेकर दोस्तों। और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां इमरान खान पर नहीं हुई थी फायरिंग, घायल होने की बात है बिल्कुल झूठी। जी हां दोस्तों, बताएंगे किसने ये सबसे बड़ा दावा किया है दोस्तों, और साथ ही साथ आपको उससे भी बड़ी खबरें बताने वाले हैं। तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, हमेशा की तरह दोस्तों मानते कि अपना भारत मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, और मोदी है तो मुमकिन है, और भारतीय सेनाओं पर पूरा विश्वास है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चीन की नई करतूत, गलवान में मारे गए सैनिकों के नाम पर पुलों और गांव के नाम रखे। जी हाँ दोस्तों, चीन का भारत विरोधी नया कारनामा निकलकर सामने आया है दोस्तों। चीन ने शिनजियांग और तिब्बत प्रांतों को जोड़ने वाले राजमार्ग से लगे पुलों और गांव का नाम अपने उन 4 सैन्य कर्मियों के नाम पर रख दिया है जो 2020 में गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ संघर्ष में मारे गए। जी हाँ दोस्तों, आधिकारिक मीडिया ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक इन सैन्य कर्मियों के नाम अब तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से शिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र तक G219 राजमार्ग के साथ सड़क के संकेतक पर दिखाई देते हैं। जी हाँ, खबर में कहा गया है कि उन सैनिकों के गृहनगर के अलावा G219 राजमार्ग के साथ 11 पुलों का नामकरण इन सैन्य कर्मियों के नाम पर किया गया है। जी हाँ दोस्तों, सैनिकों की याद में स्थानों का नामकरण के कुछ दिन पहले चीनी सैन्य कमांडर क्यूई फाबाओ सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी CPC की कांग्रेस में प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुआ था। फाबाओ जून 2020 में भारतीय सैनिकों के साथ गलवान घाटी में हुए संघर्ष में घायल हो गया था दोस्तों। PLA के गलवान संघर्ष के वीडियो फुटेज का एक हिस्सा CPC की कांग्रेस के उद्घाटन के दिन 16 अक्टूबर को ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में विशाल स्क्रीन पर दिखाया गया था। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, भारत मामले में लगातार कहता रहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LSC पर अमन और चैन द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय और चीनी सेनाओं ने लंबे समय से सीमा पर जारी गतिरोध को हल करने के लिए कोर कमांडर स्तर की 16वें दौर की वार्ताएं की हैं। पेंगोंग झील क्षेत्रों में हिंसक झड़प के बाद 5 मई 2020 को पूर्वी लद्दाख सीमा गतिरोध शुरू हुआ था। जी हां दोस्तों, अब ऐसे में फिर एक बार चीन की तरफ से आग को सुलगाना दोस्तों, और उन सैनिकों के नाम पर भारत से सटे सीमाओं का नाम रखना दोस्तों, क्षेत्रों और गांव के नाम उनके नाम पर रखना एक तरीके से ये दर्शाता है कि चीन इसको बदले की भावना से देख रहा है दोस्तों। और यही कारण है कि भारत के बार बार समझाने पर भी चाइना दोस्तों मानता दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अपना भारत भी अब हर तरीके से मजबूत और सशस्त्र है। ऐसे में हर तरीके से माकूल जवाब देने के लिए अपना भारत दोस्तों खड़ा है। ऐसे में आपकी जो भी राय सुझाव होगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर जरूर शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि हर किसी को इस खबर की जानकारी हो सके। साथ ही साथ बात करेगा और बड़ी खबर की, जहां पर हिंदुस्तान के एक बार फिर मुरीद हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, कहा भारत का बेहतरीन विकास होगा, 1.5 अरब लोगों में है ये काबिलियत। जी हाँ दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की जमकर तारीफ की और उसके नागरिकों को प्रतिभाशाली और प्रेरित बताया है दोस्तों। एक हफ्ते पहले पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जमकर तारीफ की थी। रूसी राष्ट्रपति ने शुक्रवार रशिया के यूनिटी डे के अवसर पर कहा कि विकास के मामले में भारत उत्कृष्ट नतीजे हासिल करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, और करीब 1.5 अरब लोगों में ये क्षमता है। इससे पहले 27 अक्टूबर को पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वतंत्र विदेश नीतियों की तारीफ करते हुए कहा था कि वो एक सच्चे देशभक्त हैं। भारत और रशिया के संबंध जग जाहिर हैं, जो कई बार पश्चिमी देशों के नजरों में खटकते हैं। जी हां दोस्तों, पुतिन ने कहा है कि विकास के मामले में भारत उत्कृष्ट परिणाम हासिल करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने कहा कि करीब 1.5 अरब लोगों में ये क्षमता है। मोदी की तारीफ करते हुए पुतिन ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के उन लोगों में शामिल है जो अपने देश और अपने लोगों के हित में स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में सभी भारत का सम्मान करते हैं। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हाल के वर्षों में बहुत कुछ हुआ है, वो अपने देश के एक सच्चे देशभक्त हैं, और उनका मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट एक महत्वपूर्ण प्रयास है। भारत ने वास्तव में अपने विकास को आगे बढ़ाया है, और इसके आगे एक महान भविष्य है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि उनके देश का भारत के साथ एक खास रिश्ता है जो दशकों पुराने घनिष्ठ संबंधों की बुनियाद पर खड़ा है। जी हां दोस्तों,
ऐसे में दोस्तों हमने आपको नए बयान से लेकर पुराने बयान तक सारी चीजें बता दी हैं, पुतिन को लेकर जो जो उन्होंने भारत को लेकर कहा है। ऐसे में दोस्तों आपको उनको धन्यवाद करना तो बनता ही है, तो थैंक यू पुतिन जी अवश्य कह दीजिएगा आप लोग दोस्तों। और आप लोग क्या कहना चाहेंगे रशिया और भारत के संबंध को लेकर दोस्तों, देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की जनता। साथ ही साथ दोस्तों बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर पाकिस्तान के गृह मंत्री का सबसे बड़ा दावा कहा इमरान खान पर नहीं हुई थी कोई भी फायरिंग, घायल होने की बात पूरे तरीके से झूठ फेक और बेबुनियाद। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने खुद पर हुए हमले के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत तीन लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। लाहौर के शौकत खानम अस्पताल से शुक्रवार को देश को संबोधित करते हुए इमरान खान ने हमले को लेकर सीधे तौर पर तीन लोगों पर आरोप लगाया। इमरान खान ने कहा है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, गृह मंत्री राणा सनाउल्ला और खुफिया एजेंसी ISI के चीफ मेजर जनरल फैसल नासिर ने उनकी हत्या की साजिश रची थी। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्ला ने दावा किया है कि इमरान को 4 गोलियां नहीं लगी थी, उनके चोटिल होने की कहानी भी झूठी है। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक गृह मंत्री राणा सनाउल्ला ने कहा है कि PTI के लॉन्ग मार्च पर हुए हमले की पुलिस जांच से पता चला है कि संदिग्ध नवीद नशे का आदि है और घटना के संबंध में उसके बयान संदिग्ध है। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको भी यही लगता है दोस्तों कि इमरान खान पर जो हमला हुआ है वो एक तरीके से झूठा हमला था और उनके पैर में कोई चोट नहीं लगी है दोस्तों, या फिर पाकिस्तान की सरकार इमरान खान के हमले को बचाने की कोशिश कर रही है दोस्तों ताकि देश में गृह युद्ध जैसे हालात ना बन पाए। आपकी जो भी अपनी निजी राय हो दोस्तों, इन सारी चीजों को देखते हुए जवाब अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि इमरान खान का कहना है कि मुझे मरा हुआ समझकर चला गया वो शूटर, ताल में से काम करता तो आज मैं जिंदा नहीं होता। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने उन पर हुए जानलेवा हमले को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। इमरान खान ने कहा है कि जिन दो हमलावरों को मैंने खुद पर हमला करते हुए देखा उन्होंने अगर तालमेल से काम किया होता तो आज मैं जिंदा नहीं होता। पूर्वी शहर वजीराबाद में विरोध मार्च के दौरान इमरान खान को गोली लगी थी। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले के बाद से अपने पहले सार्वजनिक संबोधन में उन्होंने अस्पताल में व्हीलचेयर पर बैठकर ये बात कही। जी हां दोस्तों, इमरान खान ने कहा क्योंकि मैं गिर गया, हमलावरों में से एक ने सोचा कि मैं मर गया और वो वहां से चला गया, तो वहीं पुलिस की ओर से जारी एक वीडियो में गिरफ्तार आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया। साथ ही साथ आपको बताते रिपोर्ट के मुताबिक कि इमरान खान ने ये भी कहा है कि उन्हें इस बात की जानकारी एक दिन पहले से ही लग चुकी थी कि उन पर अटैक होने वाला है। अस्पताल के अंदर से देश को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा कि मुझे एक दिन पहले ही पता चल गया था कि मुझ पर हमला होगा, मेरे ऊपर किए गए जानलेवा हमले में दाहिने पैर में 4 गोलियां लगी है। जी हां दोस्तों, बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर जम्मू कश्मीर में फिर एक बार बेनकाब हुआ पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर में जिहाद के नाम पर आतंक फैला रहा। जी हां, EFSAS सम्मेलन में विशेषज्ञों ने रखी अपनी राय। बता दें एम्स्टर्डम की व्रिजे यूनिवर्सिटी में यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज के सम्मेलन में विशेषज्ञों और कश्मीरी प्रवासियों ने कहा है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और कट्टरपंथ के लिए जिम्मेदार है। वो जिहाद के नाम पर अपनी गतिविधियों से केंद्र शासित प्रदेश में कट्टरता और आतंकवाद को प्रेरित करता आ रहा है। जम्मू कश्मीर और व्यापक क्षेत्र में आतंकवाद और कट्टरता विषय पर आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन में विभिन्न विशेषज्ञों और कश्मीरी प्रवासियों ने हिस्सा लिया। पहले दिन मशाल रेडियो, रेडियो फ्री यूरोप, रेडियो लिबर्टी के प्रबंध संपादक दाऊद खट्टक ने बताया कि कैसे पाकिस्तान पर्दे के पीछे से जिहाद के नाम पर जम्मू कश्मीर में कट्टरपंथ और आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है। उसके कश्मीरी विद्रोहियों का समर्थन करने से इसे आसानी से समझा जा सकता है। खट्टक ने तर्क दिया है कि जहां जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी दखल आज भी जारी है तो वहीं उसने अपने प्रतिनिधि कबायली इलाकों से पंजाब स्थानांतरित कर दिए हैं। साथ ही साथ बता दें दोस्तों बड़ी खबर, जहां पर जिन ड्रोन्स ने खत्म किया था रूसी टैंकों का बेड़ा, यूक्रेन को फिर वही मुहैया कराएगा अमेरिका। जी हां दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुए अब 8 महीने से भी ज्यादा समय बीत चुका है। हालांकि इस जंग का अंत फिलहाल नजर नहीं आ रहा है बल्कि दोनों ही देशों के बीच युद्ध का स्तर और घातक होने का खतरा जताया जा रहा है। और इसी बीच अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रशिया के खिलाफ यूक्रेन को मदद देना जारी रखा है। हाल ही में अमेरिका ने एक बार फिर यूक्रेन के लिए $40 करोड़ का सुरक्षा पैकेज आवंटित किया है। इसके तहत यूक्रेन की सेना को T-72 टैंक और जमीन से हवा में मार करने वाली हॉक मिसाइलें मुहैया कराई जाएंगी। इतना ही नहीं, यूक्रेन को एक बार फिर उन्हीं घोस्ट ड्रोन्स की खेप भी दी जाएगी जिन्होंने मार्च अप्रैल में डोनबास और कीव के बाहर जुड़े रूसी टैंकों के बेड़े को तबाह करके रख दिया था। बात करें दोस्तों एक और बड़ी खबर की, जहां पर केजरीवाल से हयात होटल में हुई थी मीटिंग, 50 करोड़ रुपए भी दिए थे दोस्तों। सुकेश चंद्रशेखर ने फोड़ा एक और लेटर बम। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मंडौली जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने सत्येंद्र जैन पर गंभीर आरोप लगाने के बाद अब एक और लेटर बम फोड़ दिया है दोस्तों सुकेश ने। इस बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद
केजरीवाल को अपने निशाने पर लिया है। सुकेश ने अपने इस लेटर बम में कई बड़े सनसनीखेज दावे किए हैं। गुजरात, हिमाचल और एमसीडी चुनाव से इन पहले इस बार मीडिया को लिखे 4 पेज के इस विस्फोटक लेटर में उसने आपके नेता केजरीवाल पर 50 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया है। साथ ही राज्यसभा की सीट ऑफर करने का भी दावा किया है। सुकेश ने इस पत्र में केजरीवाल से सीधे सवाल करते हुए पूछा है कि अगर मैं देश का सबसे बड़ा ठग हूं तो अब आपने मेरे जैसे ठग को राज्यसभा सीट का ऑफर देकर 50 करोड़ रुपए क्यों लिए। जी हाँ दोस्त, ऐसे में अब देखना ये होगा दोस्तों कि क्या वाकई में केजरीवाल ने 50 करोड़ सुकेश चंद्र से लिए हैं या फिर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या केजरीवाल ने लिए होंगे दोस्तों 50 करोड़ सुकेश चंद्र से? देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की जनता। दोस्तों साथ ही साथ ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप सभी बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।